हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग के, उनको कभी ना कभी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने को ज़रूर मिलते हैं। तो उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हो सकता है आपका एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट हम हमेशा इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, इक्विपमेंट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशन, समरी, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी को लिखते हैं। ये आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ये आपका हमेशा फर्स्ट पेज होता है, और उससे पहले आपका नेम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आफ्टर दैट आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन में आप सारी चीज़ें लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस क्या है, आपका एक सिंपल बेड साइड प्रोसीजर है जो कि क्लिनिकल प्रोसीजर है, इन विच अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू अ पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी आपकी एक ऐसी कैविटी होती है जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि पेरिटोनियल कैविटी में कई बार फ्लूड प्रेजेंट हो जाता है या फ्लूड जमा हो जाता है, जिस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं, और उस फ्लूड को हम एसाइटिक फ्लूड कहते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायग्नोस्टिक पैरासेंटेसिस रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूड फॉर टेस्टिंग। अगर वो फ्लूड हम स्मॉल क्वांटिटी में टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम थेरापिटिक पैरासेंटेसिस के नाम से जानते हैं, जिसमें आप 5 लीटर फ्लूड जो है वो रिमूव करते हो। ठीक है, ये पैरासेंटेसिस प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, इसको रिलीफ मिल सके, और जो डिस्पनिया हो रहा है, डिस्पनिया मतलब कि सांस लेने में जो हमें दिक्कत हो रही है, उससे भी हमें रिलीफ मिल सके, साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन भी किसी तरीके से ना हो, तो इस वजह से ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिस टॉपिक विल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। इस टॉपिक में आपको पता चलेगा कि एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस कैसे होता है, एसाइटिक फ्लूड को आप कैसे एनालाइज करते हो और डायग्नोसिस करते हो, और किस तरीके से आप प्रोसीजर से उस फ्लूड को रिमूव करते हो। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि ये एक सिंपल बेडसाइड प्रोसीजर है, क्लिनिकल प्रोसीजर है। इसमें आप निडल को इंसर्ट करते हो, कहाँ पर? पेरिटोनियल कैविटी में। ये आपको ऊपर पेरिटोनियल कैविटी दिख जाएगी क्या होती है, तो आप वहाँ से साइटिक फ्लूड को रिमूव करते हो। टिप्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो सबसे पहले आपका एंटीसेप्टिक स्वैब होना चाहिए, आपके पास फेनिस्ट्रेटेड ड्रेप होना चाहिए, आपके पास लिडोकेन होना चाहिए जो कि आपका 1% रहता है फॉर एनेस्थीशिया, लोकल एनेस्थीशिया। सिरिंज होनी चाहिए आपके पास 10 ml, 20 ml की। 2 inch लॉन्ग इंजेक्शन निडल होनी चाहिए। 11 नंबर का ब्लेड होना चाहिए, स्केल्पल होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो। 14 gauze का आपके पास कैथेटर होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका 3-way वाला हो। सिरिंज होनी चाहिए एक 60 ml की। ट्यूबिंग सेट होना चाहिए रोलर क्लैंप के साथ। ड्रेनेज बैग होना चाहिए, वैक्यूम कंटेनर, और स्पेसिमेन के लिए आपके पास वायल्स या फिर कलेक्शन बॉटल्स होनी चाहिए, और फिर आफ्टर दैट ड्रेसिंग के लिए आपके पास गॉस पीस और एडहेसिव ड्रेसिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। इंडिकेशंस क्या क्या है आपके? आप एसाइटिस फ्लूड को डिटरमाइन करते हुए टियोलॉजी डिफरेंशिएट ट्रांसड्यूट वर्सेस एक्सड्यूट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल्स। बेसिकली आप एसाइटिस फ्लूड को क्यों निकालते हो? ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी तरीके की बहुत बड़ी बीमारी, या फिर देखिए डिस्पनिया वगैरह हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो पेन करेगा ही करेगा, तो उस कंडीशन में हमें एसाइटिस फ्लूड जो है वो रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ब्लंट पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजरी, रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए, जो इंक्रीज हुआ एब्डोमिनल प्रेशर उसको रिलीफ करने के लिए, एक्यूट और स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेशेंट को एक्यूट या स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस हो गया हो, या फिर पैनक्रियाटाइटिस हो गया हो जिसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो अगर कभी किसी पेशेंट को एक्यूट एब्डोमिन रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी हुई है, अभी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, या पेशेंट का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम है, कॉगुलोपैथी है, क्लॉटिंग अच्छे से नहीं रहती है, इन पेशेंट विदाउट क्लिनिकल एविडेंस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग रूटीन लैब, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट वगैरह, आपका CTBT टेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, या सीवियर बॉवल डिस्टेंशन है, ठीक है, मल्टीपल प्रीवियस एब्डोमिनल ऑपरेशन हो चुके हैं, बहुत सारे ऑपरेशन एब्डोमिनल के हुए हैं, या फिर प्रेगनेंसी है पेशेंट को, या फिर डिस्टेंटेड ब्लेडर है और वो एम्प्टी नहीं हो सकता फॉलिस कैथेटर के हेल्प से भी, या फिर ऑब्वियस इन्फेक्शन है जहाँ पर साइड, जिस साइड पर हमें देखिए लेटरल साइड पर इंसर्ट करना होता है, तो अगर उस साइड पर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम पंचर नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर नहीं करेंगे।
किसी पेशेंट को सीवियर हाइपोप्रोटीनीमिया है तो भी हम नहीं करेंगे, और इंट्रा एब्डोमिनल एडहेशन है तो भी हम इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है आपका पहला प्रोसीजर एनाटॉमी, एब्डोमिनल वॉल की एनाटॉमी को आप पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। आपको पता है कि 9 रीज़न होते हैं एब्डोमिनल वॉल में, तो अम्ब्लाइकस रीज़न से लेटरल रीज़न पे जाते हैं हम एसाइटिस फ्लूड को रिमूव करने के लिए। तो वही लिखा है इसमें कि मिडलाइन थ्रू द ऑब्लिक ट्रांसफर मसल विच इज़ लेटरल टू द थिकर रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जो कि आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल है वहाँ पर आपको पंचर करना होगा। पेशेंट के ब्लैडर को पूरी तरीके से एम्प्टी कराना है, चाहे वो वॉलेंट्री एम्प्टी करें या फिर आप फॉलिस कैथेटर के थ्रू करें, लेकिन पेशेंट का जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए। फिर पेशेंट को आप हॉरिजॉन्टल सुपाइन पोजीशन में ठीक से आप लेटा देंगे, ठीक है। स्लाइटली रोटेट द हिप डाउन टू द टेबल, जो हिप को है वो थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो राइट इलियक फोसा वगैरह वाली साइड है उसको आप ठीक से देख सकें, ठीक है। उसके बाद आप निडल को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे एंड आफ्टर दैट ही आप निडल जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे साइड कर रहे हैं। ये आपका एब्डोमिनल रीजन है और इस एब्डोमिनल रीजन से आपके लेटरल साइड पर आप इसको कर सकते हैं एसाइटिस प्रोसीजर को। फिर प्रिपेयर करना है स्किन को कैसे, आयोडीन सॉल्यूशन से, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन से, ताकि प्रे स्किन जो है वो स्टेरलाइज हो जाए, किसी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट ना रहे। स्टेराइल ग्लव्स अपने आप को वियर करना है, मास्क पहनना है और स्किन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रिप करना है, वाइड एरिया लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एरिया लेना है और क्लॉकवाइज लेना है। आप एक बार जब आप क्या कहते हैं बिटाडीन लगा देंगे या किसी तरीके का सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन लगा देंगे तो दोबारा वहाँ पर टच नहीं करना है विदाउट ग्लव्स, ठीक है। फिर ड्रेप करना है उसको अच्छे से, फिर सेंटर द स्टेराइल ड्रेप 1/3 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अम्ब्लाइकस, अम्ब्लाइकस से 1/3 डिस्टेंस में एंटीरियर इलियक क्रेस्ट पे आपको लिडोकेन जो आपका ये कहते हैं 1% है उसको इंसर्ट करना है। 2 इंच निडल से इसको इंसर्ट करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे डीप करेंगे ताकि पेशेंट को लोकल एनेस्थीशिया प्रॉपर तरीके से मिल जाए, एनेस्थीशिया प्रॉपर तरीके से मिल जाए वरना पेशेंट को पेन होगा। फिर आप कैथेटर को इंसर्ट करेंगे थ्रू द स्किन, नॉन डोमिनेंट हैंड से आप उसको स्ट्रेच करेंगे ताकि जो कैथेटर है वो पंचर साइड से होते हुए पूरी तरीके से इंसर्ट हो जाए। फिर आप जो गॉज वायर है या फिर जो आपकी वायर है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करके वहाँ से आप किसी भी तरीके से एसाइटिस फ्लूड को रिमूव कर सकते हैं। एडवांस द कैथेटर अंटिल अ पॉप इज फेल्ट टू अ कैथेटर पेनिट्रेट द पेरिटोनियम, रिलीज द प्रेशर ऑन द स्किन आफ्टर द इंट्रोड्यूसर एंटर। जब आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोड्यूसर्स जो है आपका एंटर हो चुका है तो आप प्रेशर को रिलीज कर देंगे और उसके बाद आप जो इंट्रोड्यूसर है उसे रिमूव कर देंगे और इंट्रोड्यूसर की जगह क्या लगा देंगे, वहाँ सिरिंज लगा देंगे। फिर उस सिरिंज की हेल्प से आप जो कलेक्शन है उसको ले सकते हैं। अगर आपने ये प्रोसीजर किया और जो सिरिंज है वहाँ से फ्लूड जो है वो रिमूव नहीं हुआ, मतलब फ्लूड नहीं आया, तो आप उसको हल्का सा रोटेट कर सकते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। बट अगर उसके बाद भी फ्लूड नहीं आ रहा है तो उस प्रोसीजर को तुरंत वहीं पर अबॉर्ट कर देंगे, हम उसमें और ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मे बी वो फिर सीवियर इंजरी एब्डोमिनल रीजन पे कॉज कर सकता है, तो वहीं पर उसको करके अल्टरनेटिव साइड पर फिर दोबारा से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एसाइटिस फ्लूड को रिमूव करा जाता है 3-way स्टॉपकॉक से, जिससे कि 1-way आप तरीके से आप निकाल सकें, ठीक। और उसके बाद रिमूव एक्सेस फ्लूड एंड देन इन्फ्यूज 700 to 1000 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। फिर आप क्या कहते हैं ये RL वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं पेशेंट को ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर पेशेंट को आप जेंटली क्या करेंगे, रोल करेंगे और रिमूव करेंगे जितना भी फ्लूड प्रेजेंट है। आप देखिए इस तरीके से आप फ्लूड को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। फिर जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है कैथेटर को रिमूव करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे वुंड पे और ऑब्जर्व करेंगे फ्लूड को कि किस तरीके की फ्लूड है, उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे और इंसर्शन साइट अगर स्टिल लीक करेगी, मतलब 5 मिनट के डायरेक्ट प्रेशर देने के बाद भी अगर वहाँ से लीकेज हो रही है तो वहाँ पर आप फिर सूचर लगाएंगे प्रेशर और प्रेशर ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप वहाँ पे अच्छे से गॉस पीस लगाएंगे और ठीक तरीके से उसको सिक्वेयर करेंगे। अच्छा, इसमें आप कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं, तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि हो सकता है इस प्रोसीजर के दौरान हम एयर को इंट्रोड्यूस कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो है वो आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर चली जाएगी, इसलिए हमेशा एब्डोमिनल रेडियोग्राफ आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट है परफोरेशन हो सकता है ब्लैडर का या स्टमक का, अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं है या स्टमक एम्प्टी नहीं है, बॉवल परफोरेशन हो सकता है, लैसरेशन मेजर ब्लड वेसल, ब्लड वेसल पंचर हो सकती हैं, लॉस ऑफ कैथेटर और गाइड वायर, जो आपका गाइड वायर है या कैथेटर है उसमें से कुछ हिस्सा जो है, या फिर किसी तरीके का कोई भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका वहीं रह सकता है, तो बहुत ध्यान से करना होता है ये प्रोसीजर। एब्डोमिनल वॉल पे हेमाटोमा हो सकता है, नीमो पेरिटोनियम हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट यूट्रस को परफोरेट कर दे, किसी तरीके का इन्फेक्शन कॉज कर दे, असेप्टिक कॉज कर दे, या मे बी हमेशा वहाँ से लीकेज स्टार्ट रहे, ठीक तरीके से वो प्रॉपर हील ना हो पाए या बंद ना हो, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। साथ में डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, या फिर आपका हिपैटोरिनल सिंड्रोम जो है वो भी हो सकता है। साथ ही पोस्ट पैरासेंटेसिस हाइपोटेंशन पेशेंट जो है, फ्लूड की कमी होने की वजह से मे बी पोस्ट पैरासेंटेसिस हाइपोटेंशन में चला जाए, तो इन सब का हमें खास ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। ये इसकी समरी है, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी समरी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट लास्ट हम इसका कंक्लूज़न लिखेंगे, एंड कंक्लूज़न के बाद आप इस पर बिब्लियोग्राफी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या है आपका, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस जो है वो सेफ है, इफेक्टिव डायग्नोस्टिक है, थेरेपेटिक प्रोसीजर के लिए भी ज़रूरी है, अगर सीवियर हेमरेजिक है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस में तो भी ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिवर डिजीज़ अकर इन 0.2% केस, इट अकर इन पेशेंट विद सीवियर लीवर फेलियर, ये इनको लीवर फेलियर वगैरह के चांसेस होते हैं, या फिर एल्ब्यूमिन वगैरह के रिप्लेसमेंट वगैरह में रहता है, तो ये प्रोसेस हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना भी ऊपर आपको पढ़ाया उसका ये बेसिक सी समरी और कंक्लूज़न है, तो इसको आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको ऐसे ही और असाइनमेंट चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी असाइनमेंट का आपको टॉपिक चाहिए मेरे इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।